जिम जाने से हमारी मांसपेशियों को ताकत मिलती है, लेकिन लोग अक्सर वर्कआउट के साथ सही भोजन का तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसका खमियाजा उनकी सेहत को उठाना पड़ता है। इसलिए जितना जरूरी जिम जाकर कसरत करना होता है, उतना ही जरूरी सही आहार का सेवन करना भी होता है। अगर आप वर्कआउट करके अपना शरीर सुडोल बनाना चाहते हैं तो आपकी डाइट में हाई प्रोटीन होना चाहिए। इसके अलावा आपकी डाइट में 50-60% कार्बोहाइड्रेट, 10-15% प्रोटीन और 25-30% फैट होना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही बेहतरीन फूड्स के बारे में बताने वाला हूं जो जिम जाने वालों को जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साबुत अनाज। अगर जिम के दौरान रीजनेबल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट न मिले तो मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। इसलिए शरीर को भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स देने के लिए साबुत अनाज खाना चाहिए। साबुत अनाज जैसे कि चावल, गेहूं, बाजरा, दलिया वगैरह। अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी होगी तो आप ज्यादा देर तक वर्कआउट कर सकते हैं। नंबर सेकंड, दूध और दही। वर्कआउट करते समय हमारे शरीर को पहले से ज्यादा प्रोटीन, कैल्शियम और दूसरे पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप दूध और दही का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। दूध और दही प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। नंबर थर्ड, चिकन, मटन और अंडा। अंडा, मांस और चिकन प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम के सबसे अच्छे सोर्स हैं। इनमें प्रोटीन और विटामिन के साथ साथ ही एमिनो एसिड भी काफी मात्रा में होता है। इनको अपने डाइट प्लान में शामिल करने से शरीर को सुडोल बनाने में हेल्प मिलती है। जिम के दौरान शरीर में कमजोरी नहीं होती, इसलिए अगर आप जिम जाते हैं और आप मांसाहारी हैं तो आपको चिकन, मटन और अंडा जरूर खाना चाहिए। नंबर फोर्थ, केला। हेल्दी और गुणकारी फल केला एक ऐसा फल है जिसे वर्कआउट करने के बाद खाने पर तुरंत ताकत मिल जाती है। ये कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। ये डिलीशियस होने के साथ साथ ही वीर्यवर्धक, शरीर के लिए पुष्टकारक, मांस को बढ़ाने वाला, भूख प्यास को दूर करने वाला फल है। इसे आप दूध के साथ खाते हैं तो इससे आपको और भी ज्यादा फायदा होगा। तो जिम जाने वालों को केले जरूर खाने चाहिए। नंबर फिफ्थ, चुकंदर। जो लोग जिम में रेगुलर रूप से वर्कआउट करते हैं उनके लिए चुकंदर का रस बहुत ही फायदेमंद होता है। ये शरीर को ताकत देता है, साथ ही एनर्जी का भी ये अच्छा सोर्स है। नंबर सिक्स, सालमन फिश। ये एक तरह की मछली है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन से भरपूर ये मछली आपके मसल्स को बढ़ाने में मदद करती है। नंबर सेवन, सूखे मेवे। सूखे मेवे में प्रोटीन और विटामिन की ज्यादा क्वांटिटी होती है, हालांकि इनमें फैट भी अच्छी क्वांटिटी में होता है, लेकिन ये हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं होता है और इससे मोटापा नहीं बढ़ता। जिम करने वालों को हर रोज लगभग 15 से 20 बादाम, काजू और अखरोट का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर एट, पानी। पानी हमारे शरीर के जोड़ों, मांसपेशियों वगैरह में नमी बनाए रखता है। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन, जोड़ों और मांसपेशियों में जकड़न, दर्द वगैरह हो सकता है। पानी पीने से मोटापा कम होता है और शरीर से केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं, इसलिए जिम जाने वालों को खूब पानी पीना चाहिए, जिम से पहले भी, जिम करते समय भी और जिम करने के बाद भी। मांसपेशियों के सही ढंग से काम करने के लिए प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट का बहुत महत्व होता है। इसलिए फिट रहने के लिए जिम करने वालों को न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट लेनी चाहिए। मसल्स बनाने के लिए संतुलित भोजन की जरूरत होती है। इसके अलावा प्रोटीन शेक या सप्लीमेंट का सहारा नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनके नुकसान ज्यादा होते हैं। जिम की ट्रेनिंग किसी एक्सपर्ट के डायरेक्शन में ही लेनी चाहिए। जिम के बाद शरीर को थोड़ी देर के लिए आराम देना चाहिए जिससे दिमाग शांत होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये सभी फूड्स लेने चाहिए, बल्कि इनमें से जो भी आपके लिए आसानी के साथ अवेलेबल हो सके उनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि साबुत अनाज, दूध, दही, ये आसानी के साथ अवेलेबल हो जाते हैं। केला भी आसानी के साथ अवेलेबल हो जाएगा और साथ ही पानी, ये भी आसानी के साथ अवेलेबल हो जाता है। तो इनका आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी सूखे मेवे, सालमन फिश और साथ ही चिकन, मटन और अंडा, ये अगर आपको आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं तो आपको इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।